रेलवे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना, वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी देने का, दमड़ी नहीं देने का, इनको देश से लगाव नहीं है। ये मेरा साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार है। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पर लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं। ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था। एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस से भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन से चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पर। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसानों से बात करो, एमएसपी पे कानून बना रहे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहां पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी। जितने एक काम चलता रहेगा ठीक। कभी बढ़ा दी झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई ठीक कर लिया काम। जो गन्ने का किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आ वो गांव में चले जा, दूसरे वाला यहां पा जा, जो ठीक पड़ गया रूटीन। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे हम फसल बोएंगे। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पर कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पर ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चला जाए, अपने खेत में बखेर देना। वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। ये आंदोलन मिट्टी से ही जोड़ना है। जो हमारा नौजवान है अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच जो कर लेगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऊपर है, हमारे प्रस्ताव है ये, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा।
बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे, 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, उसके बगैर घर नहीं जाएंगे। ये गलत फहमी छोड़ दे कि 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता, हम सरकार को छोड़ नहीं सकते, न हम आंदोलन छोड़ देंगे न हम सरकार को छोड़ देंगे। ये आंदोलन चलाना पड़ेगा, अगर अब कानून नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने का। देश का किसान आधे रेट में लूटा है, देश का किसान आधे रेट में लूटा है। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे बिकता है, पूरे देश में नहीं बिकता।